أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر तमाम भलाइयाँ आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए, हम सब के लिए कुरान पढ़ना समझना आसान कर दे, उसमें अमल करना आसान कर दे। अल्लाह ताला इसको हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे गमों को दूर करने का जरिया बना दे और हमें इसकी मोहब्बत और अपनी मोहब्बत अता फरमा के जन्नत वालों में हमारा नाम लिख ले, आमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह तौहा आयत नंबर 41 से ऑनवर्ड्स, और इसमें हम इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को तोड़ तोड़ के समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इसको याद करना और फिर याद रखना हमारे लिए आसान हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे और इस पे हमें अजर दे और इसको कबूल करे हमसे। शुरू करते हैं सूरह तौहा आयत नंबर 41। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्तनिअ, तू कब, और चुन लिया मैंने तुझे। पहले तो हम इसको ब्रेक करते हैं यहां से यहां तक, और रूट वर्ड है इसका सौद, नून और आइन। आइन का रूट वर्ड जो है ये कुरान में डिफरेंट मीनिंग्स में आता है, जैसे कोई चीज टू डू, टू कंस्ट्रक्ट, यानी कुछ चीज काम करने के लिए या कुछ बनाने के लिए, चूज करने के मीनिंग में सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली इधर ही है। और इसमें जो तो है बीच में रूट वर्ड में सौद नून आइन के बीच में आपको एक ता दिख तो दिख रही है, एक्चुअली एक बाप की वजह से है। जैसे सबर के लिए सबर स्वाद बारा होता है, मगर इस तबर अलीहा तो बीच में आ जाता है तो इसका मतलब जम जाना, तो तो बाप के किसी बाप की किसी चीज की वजह से होती है, यानी ग्रामर की किसी वजह से होती है। तो हम रूटवर्ड में नहीं है, रूटवर्ड स्वाद नून आइन है, मगर एक दफा कुरान में ये इस तो के साथ स्वाद नून आइन आया है इस बाब में, और इसके मतलब है टू चूज। आपको कहीं भी चुन लिया के मीनिंग इसमें नहीं मिलेंगे इस रूटवर्ड में, ठीक है। पहली बात ये वस्तनिअ, तू फेले माजी के आखिर में जब ता पे पेश तू आता है इसका मतलब मैंने, तो वस्तनिअ तू चुन लिया मैंने, अटैच प्रोनाउन है किसको, का तुझे, तो ये अटैच प्रोनाउन है का तुझे। तो दो जमाएं हैं, एक है डूअर जमीर जिसने चुना है, वस्तनिअ तू मैंने चुन लिया, का तुझे, ली नफ्सी अपने लिए, इधब जाओ फेले अमर है, अंता तुम व अखू का और भाई तुम्हारा, भी आयाती साथ मेरी निशानियों के, वला औना तनिया तुम दोनों सुस्ती करना। रूट वर्ड है इसका वाओ नून, और ये कुरान में सिर्फ यहीं पे आया है, इसके अलावा ये रूट वर्ड नहीं आया दोबारा कहीं, वनी का वाओ नून जाका, तो आप इस पे भी ये लगा लें कि ये सिर्फ इधर आया। इसका मतलब है टू स्लैक एंड सुस्ती करना जैसे। और यहाँ पे आप सूरह जो आज का लेसन है इसमें हम डुअल के सीगे काफी पढ़ेंगे, मुसन्ना जिसे कहते हैं, तस्निया, यानी आपको पता है अरबी में एक वाहिद होता है, एक जमा होता है और साथ तस्निया भी होता है, तस्निया मतलब दो के लिए जो होता है। तो उसमें जब फेले अमर जब आता है या फेले नहीं आता है तो उसमें हम अक्सर देखते हैं कि डुअल के लिए ये आखिर में इस तरह नजर आता है, तो ये जो है डुअल का है, तैनी या, तो तुम दोनों कहाँ से आया, ये जो आखिर में ये आ है या इससे आया, तो और ता से तुम आ गया, और रूट वर्ड क्या, वाउन नून या, ठीक है। तुम दोनों सुस्ती करना, वला तनिया और ना तुम दोनों सुस्ती करना, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए स्टार लगा के याद कर लें, फी जिक्री मेरी याद में, इज़हबा दोनों जाओ। अब फिर देखिए फेले अमर है और दोनों कहाँ से आए, इस अलिफ से, इस इज़हब में सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहता है इज़हब जाओ, अंता तुम व अखू का, तुम्हारा भाई, इसमें दोनों को मिला दिया तो आखिर में अलिफ लगा दिया तस्निया का, इज़हबा दोनों जाओ, इला फिरऔन तरफ फिरऔन के, इन्नहु बेशक वो तवा सरकश हो गया है। रूट वर्ड इसके बार बार लिखने में ये आसानी होती है कि फिर बार बार हम जब इससे गुजरते रहते हैं तो याद हो ही जाता है। तवा का रूट वर्ड तवाइन जा, फकूला पस दोनों कहो, ये भी फेले अमर है, कूला दोनों कहो, इसमें भी ये जो अलिफ आ रहा है, अगर वाहिद होता तो हम कहते फकुल तो कहो, लेकिन कूला में तस्निया का सीगा, दोनों कहो, लहू उससे, जब भी काफ और लाम रूट वर्ड के बाद ला आता है या ली आता है इसका मतलब किससे कहो, फकूला दोनों कहो, किससे, लहू उससे, कौलन बात, लयना नरम, रूट वर्ड इसका आसान है, इसमें से निकालना ला या लाम या और नून, लीन
लोग लीना नाम भी रखते हैं, तो लीना मतलब नरमी, लयिना। तो कुरान में ये लाम या नून का रूट वर्ड हम देख लेते हैं कि नरमी के मतलब में, और हम लोग वो आयत बहुत शौक से पढ़ते हैं। हमें पता है जैसे सूरह आले इमरान की आयत है 159, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, फबिमा रहमत मिनल्लाही, अल्लाह की रहमत की वजह से, लिन्त लहुम, आप उनके साथ नरम हैं, लहुम उनके लिए, लिन्ता। वहां पे लिन्ता ये फेल की तरह आया था, रूट वर्ड सेम है, लाम या नून मतलब नरमी से था, और यहाँ पे हम लयन इस तरह पढ़ रहे हैं कि कौल लयना, बात नरम। लअल्लाहु, शायद के वो, या तज़क्करु, वो नसीहत पकड़े, ज़क्करा युज़क्किरु तज़कीर, जब इस काफ़ पे तशदीद के साथ आता है इसमें नसीहत पकड़ना, और या ट्रांसलेशन वो, या तज़क्करु, वो नसीहत पकड़े, औ यख्शा, वो डर जाए, ख़ाशिन, या यही रूट वर्ड है इसका। कौला, दोनों ने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना, बेशक हम, नखौफु, हम डरते हैं, डरने के रूट वर्ड खावफा, खौफ, अन के, या फ्रोता, वो ज्यादती करेगा, फारा तो रूटवर्ड है, या के ट्रांसलेशन वो, इफरात हम उर्दू में भी कहते हैं तो ज्यादती के लिए कहते हैं इफरात, और लेकिन यफरतु, वो ज्यादती करेगा, ये फेल है। हम एक और जगह इसको इस्म की तरह देख लेते हैं, सूरह कहफ की आयत नंबर 28 में है, जो एंड में यहाँ पे, वत्तबा वला तुतैमन अगफलना कल्बहु अनजिकना, उसकी इतात मत करना जिसके दिल को अल्लाह हमने गाफिल कर दिया हो अपनी याद से, वत्तबा हवा, और जिसने अपनी हवा की पैरवी की, वकान अमरुहु, और था उसका काम, है उसका काम, फुरुता एक्सिस में है, यानी ज्यादती कर चुका है। तो इसमें ज्यादती के मायने फारोता रूटवर्ड, फुरुता यहाँ इस्म के तौर पर, और अभी हम देख रहे हैं इसको फेल की तरह, या फूता, वो ज्यादती करेगा, अलैना, हम पर, औ या अन, ये कि यतवा, वो सरकशी करेगा। कौला, फरमाया, जब भी अल्लाह ताला के लिए आता है तो फरमाया करके कहते हैं, कौला फरमाया, ला तखौफ, ना तुम दोनों डरो, इसमें भी दोनों कहाँ से आए, जो आलिफ बाद में आ रहा है, ला तखौफा, ना तुम दोनों डरो, इन्नी, बेशक मैं, मअकुमा, साथ हूं तुम दोनों के, अस्माऊ, मैं सुन रहा हूँ, वह अरा, और मैं देख रहा हूँ, इसमें हमजा जो है मैं की है दोनों में, और अस्मा, मैं सुन रहा हूँ, वह अरा, और मैं देख रहा हूँ, देखने के रूट वर्ड रहा हमजा या, फतिया हो, बस दोनों जाओ उसके पास। इसको हम ब्रेक करेंगे, ये एक्चुअली है फतिया, जिस तरह आपने वला तनिया देखा इस तरह ये है फतिया, फतिया, बस दोनों जाओ, इसमें इस तरह है ये फातिया, तो इसमें ये जो खड़ी जबर है आ, तो ये भी तस्निया का है, तो दोनों जाओ, अटैच प्रोनाउन है हु उसके पास, हम जरा या रूट वर्ड है, फकूला फिर दोनों कहो, इन्ना बेशक हम, रसूला रसूल है, रसूल में भी रसूल एक होता है, रसूल प्लूरल होता है, ये तस्निया, रसूला रसूल है, रब्बी का तेरे रब के, फ़ारसिल पस भेज दे, माना साथ हमारे बनी इसराइल बनी इसराइल को, वला और ना, तो आज़िब हुम, तू आज़ाब दे हुम उन्हें, कद तहकीक, जिना लाए हैं हम तेरे पास, जिना का रूट वर्ड है जीम या हमजा, जब ये अकेला आता है तो इसका मतलब होता है टू कम, जीम या हमजा जब अकेला आता है इसका मतलब होता है टू कम, लेकिन जब इसके बाद बी आता है तो इसका मतलब होता है टू ब्रिंग, तो जितना क्योंकि इसके बाद बी है तो इसके ट्रांसलेशन है लाए हैं, और ना हम, डूअर जो जमीर है यानी फेल जो कर रही है वो है हम, लाए हम, और अटैच उन्होंने क्या कहा, किसके पास, तेरे पास, भी आयतिन निशानी में, रब्बी का तेरे रब की तरफ से, वस्सलामु और सलाम है, अला मन उस पर जो, इत्तबा पैरवी करे, अलहुदा हिदायत की आयत नंबर 48, इन्ना बेशक हम, कद तहकीक, उहिया वही की गई, पैसिव है ये, वही की गई, इलेना तरफ हमारे, अन्ना के बेशक, अलआदाब आदाब है, अलामन उस पर जो कज़बा झुटलाए, वह तवल्ला और मुंह मोड़े, बहुत दफा कुरान में आता है रूट वर्ड है वाओलामिया, तवल्ला मुंह मोड़े, कौला उसने कहा, फमन फिर कौन है, मन का मतलब जो होता है, जैसे यहाँ पे हुएवर,
लेकिन जब ये सवालिया भी होता है कौन करके भी, तो जो जिसने और कौन किसने भी इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, तो फमन फिर कौन है, रब्बुकुमा रब तुम दोनों का, या मूसा ए मूसा काला कहा रब्बुना हमारा रब, अल्लदी वो है जिसने, ए अता अता की, अता का रूट वर्ड है आइन, तो वाह उर्दू में हम अता कहते ही हैं, और अता की अता जिसने अता की कुल्ल शैन हर चीज को, खलकहु सूरत उसकी, खल्क तखलीक उसकी शक्ल उसकी, वैसे तो खल्क का मतलब पैदाइश होता है, तो खलकहु सूरत उसकी, सुम्मा फिर हदा रहनुमाई की, कौला कहा फमा पस क्या, बालू हाल है, बा वाव लाम रूट वर्ड है, कुरान में ये रूट वर्ड 4 दफा आया मगर 2 दफा इस तरह आया है, जैसे अभी हम देख रहे हैं माँ बालू इस तरह पढ़ते हैं इसको, माँ बालू क्या हाल है, तो यहाँ पे आपको मतलब व्हाट इज द मैटर, व्हाट, तो इस तरह इसका रूट वर्ड है, इसको हम एक और दफा देख लेते हैं, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 50 में है, जहाँ पे हजरत मूस यूसुफ का किस्सा था, तो माँ बालू निस्वता, तो व्हाट इज द केस, उनका क्या मामला है, तो माँ बालू, तो ये भी क्वेश्चन में था ऐसा माँ बालू कि व्हाट्स द मैटर था, और एक दफा यहाँ पे आ रहा है माँ बालू फमा पस क्या, बालू हाल है, अलकुरून कौमों का, कर्ण की जमा है ये, अलूला पहली, फॉर्मर अहमदावा लाम रूट वर्ड है, कौला कहा हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा इल्मुहा इल्म उनका, हा की जमीर मुअन्नस की है, ये कुरून की तरफ इसका इशारा है कि इल्मुहा इल्म उनका यानी उन कौमों का, इन रब्बी पास है मेरे रब के, फी किताबिन एक किताब में, ला यदिल्लू नहीं भटकता, या नहीं भटकता रब्बी मेरा रब, नहीं लॉस्ट होता नहीं भटकता मेरा रब, वला और ना यंसा वो भूलता है, दौद लाम लाम यदिल्लू का रूट वर्ड और यंसा का रूट वर्ड नूनसीन या निस्यान से, 53 वो अल्लदी वो जिसने जाला बनाया लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्द महदा जमीन को महद बिछोना, मीम हा दाल रूट वर्ड है, महद का लफ्ज जब कुरान में अर्ज के साथ आया है तो बिछोना करके इसके ट्रांसलेशन है, जैसे तो ये इसको यहाँ पे देख लें कि तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया, इसी तरह एक हम सूरह नबा में भी पढ़ते हैं ना अलम नज अलिल अर्द मिहादा, वहां पे भी मिहादा का लफ्ज है, और एक और जगह हम देखते हैं ऑलमोस्ट सेम आयत है, जैसे यहाँ पे ने अल्लदी जअललकुमुल अर्द महदा, आयत सूरह है ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 10, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ध महदा, महदा बेड फर्श बिछोना के मीनिंग है इसमें, तो ये वहां पे है ज़ुख़रुफ़ में सेम आयत, बहुत दफा भी हम आज के लेसन में पढ़ेंगे कि सेम आयत दो दो दफा आती है कुरान में, सुभान अल्लाह ये भी कुरान का एक असलूब है, बिछोना व सलका और उसने जारी की, सलका का लफ्ज जो है ये इंसर्ट करने के मतलब जारी करने के उसमें आता है, और ये कुरान में इस मीनिंग में कमी है, सेम ऐसे ही सुबुलन के लिए आयत नंबर सूरह नंबर 71 में है ये जी, सूरह नूह में आयत नंबर 20 में सीन लाम काफ अभी हमने पढ़ा, तो वह सलाका लकुम फीहा सुबुला, वहां पे हमने पढ़ी सलाका का मतलब उसने जारी किया, और इसी तरह यहाँ पे भी तसलुकु मिन्हा सुबुलन फिजाला, तो सुबुल के ही उसमें तसलुकु भी था, तो ये सीन लाम काफ के साथ ही सुबुल रास्ते के लिए यहाँ आया सूरह नूह में, और अभी हम यहाँ पे पढ़े वसल्ला का, वैसे आप इसको स्टार लगा के याद कर लीजिए, डिफरेंट सी इसकी ट्रांसलेशन है, मतलब मुश्किल सी कह लें इसको मेमोराइज करने, सलाका और उसने जारी किया लकुम तुम्हारे लिए, फीहा इसमें, हा की जमीर मुअन्नस की, किसकी तरफ जा रही है, जमीन की तरफ, अरबी में जमीन मुअन्नस होती है, हम भी जमीन को होती है कहते हैं, और लेकिन अरबी में भी जमीन मुअन्नस कहलाती है, तो फीहा इसमें यानी कि जमीन में, उसने जारी किया तुम्हारे लिए इस जमीन में सुबुला रास्तों को, सुबुला सबील की जमा है, इसे ट्रांसलेशन प्लूरल में करेंगे, वह अंजला और उसने उतारा मिन समाई आसमान से मा पानी, फअखरजना फिर निकाली हमने बिही साथ इसके अजवाजन कई अकसाम, अजवाज का लफ्ज पेयर के लिए भी होता है, अकसाम के लिए भी कुरान में कई आता है, अजवाजा अकसाम टाइप्स मिन नबातिन पौधों में से, नबात का रूप नून बाता पौधों में से, वेजिटेशन में से, शत्ता मुख्तलिफ
शत्ता का रूट वर्ड शीन ता और ता है। कुरान में ये वाला रूट वर्ड इतना आया नहीं है, समझे टोटल 4 दफा इस तरह आया है। और हम देखते हैं और कहाँ पे है, हमें पता है सूरह लैल में जो आयत है इन्ना सायकुम लशत्ता, तो उसका मतलब भी क्या है कि बेशक तुम्हारे जो वो है कोशिशें हैं शत्ता मुख्तलिफ किस्म के डाइवर्स हैं। तो यहाँ पे भी आता है, इसी तरह सूरह जलजाल में भी आता है ना अश्ताता, कि उस दिन लोग अश्ताता अलग अलग आएंगे इस तरह। तो शीन ताता रूट वर्ड इस तरह कुरान में कम ही नजर आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं शत्ता मुख्तलिफ। कुलू खाओ, ये फेल अमर है, खाओ वराओ और चराओ। कुलू का रूट वर्ड हमजा का फ्लाम और राओ का राइन और राइन या होगा, राइन या राई इसी से है, राई होता चराने वाला चरवाहा जो होता राई। कुल्लुकुम राईन, आपने वो हदीस सुनी है। वराओ ये यहाँ पे फेले अमर ही है, जैसे कुलू खाओ वराओ और चराओ अनआमकुम अपने मवेशियों को। इन फी ज़ालिक लआयातिन, अलबत बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं। लिउलिन्नुहा अकल वालों के लिए, उलिन्नुहा नून हा या इसका रूट वर्ड है, नून हा या नहीं जैसे हम कहते हैं नहीं वाला रूट वर्ड, नून हा या वाला रूट वर्ड है। उलिन्नुहा कुरान में सिर्फ 2 दफा ये फ्रेज आया है, एक दोनों दफा सूरह तौहा में आया है, तो ये भी समझे एक्सक्लूसिवली आपको इधर ही सूरह तौहा में मिलेगा। एक दफा आप यहाँ पे देख रहे अकल वालों के लिए, एक दफा हम सूरह तौहा की आयत नंबर 128 में देखेंगे। इन फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिन्नुहा फॉर द पजेसर ऑफ इंटेलिजेंस, अकल वालों के लिए। तो यहाँ पे बस 2 दफा कुरान में ये फ्रेज आया और दोनों दफा हम सूरह तौहा में देखेंगे। मीन हा इसी से, अब फिर हा किसकी जमीन किसकी तरफ हो रही है, जो ऊपर अर्थ की बात हो रही है ना जमीन की, उसी से अर्थ की बात हो रही है, इसीलिए मोन्ना से मीनहा उसी से जमीन से खलकनाकुम पैदा किया हमने तुम्हें, वफीहा और उसी में नुईदुकुम हम लौटाएंगे तुम्हें। नुईदु का रूट वर्ड है आयन वाउदाल, ये रूट वर्ड भी कुरान में आधा या ईदु इस तरह आता है, युईदु करके भी आता है, तो आयन वाउदाल आधा ईदु नून हम की नुईदु हम लौटाएंगे, अटैच प्रोनाउन है कुम तुम्हें, हम तुम्हें लौटाएंगे। वमीन हा और उसी में से यानी जमीन में से नुखरिजुकुम हम निकालेंगे तुम्हें, तारतन उखरा दूसरी मर्तबा। तारतन का रूट वर्ड है ता वाव और रा, ये फ्रेज जैसा उलिन्नुहा कुरान में 2 दफा आया है, इसी तरह तारतन उखरा ये भी एक फ्रेज, दो चीजें मिलके जैसे ये फ्रेगमेंट बना है, ये फ्रेज है, ये भी कुरान में 2 दफा आया है। उखरा के मीनिंग है दूसरी और तारतन का मतलब है टाइम मर्तबा, इस तरह मीनिंग है इसके। इसको देख लेते हैं और कहाँ है ये, हमने सूरा इसरा बनी इसराइल में आयत नंबर 69 में पढ़ा था, हम अमिन तुम अयुईदकुम के हम लौटा ले जाएं तुम्हें, कहीं तुम बेखौफ हो गए इससे कि हम तुम्हें लौटा ले जाएं, इस भी ही इसमें तारतन उखरा अनदर टाइम दूसरी दफा दूसरी मरतबा। तो ये तारतन उखरा कुरान में टोटल 2 दफा है, एक दफा बनी इसराइल में और एक दफा हम यहाँ पढ़ रहे हैं। 56 वलकद और अलबत्ता तहकीक अरेना हूँ दिखाई हमने हूँ उसे आयातिना निशानियां अपनी कुल्लह सारी की सारी, हा की जमीन आयात की तरफ जा रही, कुल्लह सारी की सारी निशानियां। फकद दबा तो उसने झुटला दिया, उसने कैसे आया, फेले माजी के आखिर में जब जबर आता है या खड़ी जबर उसमें वाहिद मुजक्कर की जमीन पोशीदा होती है। फकद दबा तो उसने झुटला दिया, वह अबा और इनकार किया, इनकार करने का रूट वर्ड हमजा बा और या। कौला उसने कहा अजितना क्या आया है तू हमारे पास, इसको भी ब्रेक करेंगे, आ क्या जिता आया है तू, ना अटैच प्रोनाउन है हमारे पास, ली ताके तू तुखरिजना ताके तू निकाले और ना हमें, जैसे ऊपर नुखरिजु कु में हम निकालेंगे तुम्हें, यहाँ पे तुखरिजिन तुखरिजना ताके तू निकाले हमें, मिन अर्दिना हमारी जमीन से, बिसे हरिका साथ अपने जादू के, या मूसा ए मूसा फलन तियन न का बस अलबत्ता हम जरूर लाएंगे तेरे पास, इसको भी हम ब्रेक करेंगे, फा पस ला अलबत्ता नून हम की है
जरूर कहां से आया? नून पे तशदीद से। रूट वर्ड क्या है? हमजा ता या। हमजा ता या भी अकेला होता है तो इसका मतलब है टू कम, अता याती हम तो होता है मतलब टू कम, मगर उसके साथ अगर बी आ रहा हो उसके बाद फौरन तो इसका मतलब होता है टू ब्रिंग, लाना, यानी खुद है तो टू कम आना, और अगर इसके बाद बी आ रहा है तो टू ब्रिंग यानी कि लाना। तो इसीलिए अब यहाँ के पे बी आ रहा है तो फलनतीयन्ना, बस अलबत्ता हम जरूर लाएंगे। और अटैच प्रोनाउन क्या है? किसके पास? तेरे पास, का वाहिद के बाद। बिसिहर जादू मिसल ही, ऐसा ही। फज अल पस मुकर्रर कर, अपॉइंट कर, बैनना दरमियान हमारे व बैनका का, और दरमियान तेरे यानी कि अपने मौईदा वादे का वक्त। वाओ इन दाल मौईद, मौईद का लफ्ज वादे के वक्त और वादे की जगह दोनों के लिए आ सकता है, जर्फ, इसमें जर्फ है मौईदन वादे का वक्त। ला नहीं, नून हम, नुखलिफु नहीं हम खिलाफ करेंगे, हु उससे यानी इस वादे से। नहनु हम, वला अंता और ना तुम, मकानन एक जगह हो, मकान हो एक जगह, मकान जगह को कहते हैं। काफ वा नून रूट वर्ड होता है। सुआ हमवार, सुआ का लफ्ज जो है ये इस तरह तो कुरान में एक ही दफा आया, लेकिन रूट वर्ड बहुत दफा आया, सीन वा या सविया करके भी आया है, तो इसका मतलब हमवार इवन, ठीक है, सुआ हमवार इवन। कौला कहा मौईदुकुम वादे का वक्त तुम्हारा, यौम जीनत दिन है जीनत का यानी कि जश्न का। वह अन और ये कि युहशर इकट्ठे किए जाएंगे, इसको आप सर्कल लिख दीजिए, पैसिव मजहूल है। या पे पेश, फर्स्ट लेटर पे पेश हो और थर्ड लेटर पे जबर हो तो ये मुदारे में ये क्लियर गिव अवे कि मजहूल है। युहशर इकट्ठे किए जाएंगे। अन्नासु लोग, दुहा चाश्त के वक्त, दुहा मॉर्निंग यानी कि जिसमें धूप ऊपर होती है उस वक्त को कहते हैं। इसका रूट वर्ड होता है द्वाद हा वाव, दुहा दुहा। लोग चाश्त के वक्त, फतवल्ला तो पलटा, वाओला मिया रूट वर्ड है, फतवल्ला फिरौन तो पलटा फिरौन, फजमा फिर उसने जमा की, इस जबर की वजह से ट्रांसलेशन में उसने आ गया, फजमा तो उसने जमा की, कैदा हु चाल अपनी, थुम्मा फिर अता आ गया, हमजा ताया रूट वर्ड। कौला कहा लहुम उन्हें, जब भी काफ वाव लाम रूट वर्ड के बाद ला आया ली आता है तो उसका मतलब किस से कहा। कौला कहा लहुम उनसे, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, वही लकुम अफसोस है तुम, वे वही है तुम पर, ला तफ्तरु ना तुम घड़ो। घड़ने का रूट वर्ड आता है फा रा और या, और इन्वेंट करने के मतलब में। मैं कुरान में ज्यादातर ये रूट वर्ड ये इफ्तरा या इफ्तरु आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं। ना तुम घड़ो अल्लाह ही कदीबन, अल्लाह पर झूठ, फयुसहितकुम वरना वो फना कर देगा तुम्हें, इसको हम ब्रेक करेंगे। फा वरना या वो यू वो। सीन हाता जो है इसका रूट वर्ड है सीन हाता, फेल की तरह, ये फेल है, फेल की तरह सीन हाता सिर्फ यहीं पे आया है, इसका मतलब है पैरिश कर देगा, खत्म कर दे यानी कि फना कर देगा तुम्हें, पैरिश कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा तुम्हें, और कुम हो गया तुम्हें, तो फयूस हिता वरना वो फना कर देगा तुम्हें। और सीन हाता बाकी तीन दफा कुरान में आया है मगर वो इसम की तरह आया, और उसका मतलब डिफरेंट, मतलब सोहत का पता हराम, क्योंकि वो भी बेसिकली तबाही कर देता है इंसान को, डिस्ट्रॉय कर देता है, हराम खाना भी। तो सीन हाता उधर आया और बस फेल की तरह से यहीं पे आया रूट वर्ड फयूस हिता कुम, तो इसको भी आप चाहें तो स्टार लगा लें कि इस तरह मुख्तलिफ इसकी ट्रांसलेशन है, वरना वो फना कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा तुम्हें, भी आदाब इन साथ आदाब के वक़्त और तहकीक खाबा, वो नामुराद हुआ, नामुराद हुआ खा या बा रूट वर्ड है, खा या बा, वो नामुराद हुआ मन जिसने इफ्तरा घड़ लिया और झूठ घड़ लिया, ब्रेक ब्रेक की अच्छी झूठ ली झूठ घड़ा। फार आया रूट वर्ड ऊपर वाला ही है, इसको हम खाबा तो हम पढ़ते हैं इस सूरह ताहा में ही आगे 111 आयत में आएगा। टोटल कुरान में खाबा का लफ्ज चार दफा आया है, एक दफा हमने अभी किसे लेसन में पढ़ा सूरह ताहा में, 111 में भी आएगा। वक़द खाबा मन हमला जुल्म, जो फेल हो गया नामुराद हो गया जिसने जुल्म को उठाया, तो यहाँ पे भी खाबा आया। और बाकी हमारे सूरह शम्स चम्स की आयत तो सबको याद है, वक़द ख्वाब मन दस्साहा, तो कौन फेल हो गया मन दस्साहा जिसने उसको मट्टी में मिला दिया, तो नाकाम के मतलब में, नामुराद के मतलब में।
ये आ चुका है। तो कुरान में टोटल 4 दफा है, 2 दफा इसमें से सूरत वहा में ही है। वक़्त ख्वाबा, वो नामुराद हुआ, मन इफ्तरा, जिसने घर लिया झूठ, फतनाजा तो वो झगड़ने लगे, वाव साकिन बता रही है वो जमा में झगड़ने लगे, अमरहुम अपने मामले में, बैनहुम आपस में, व असरू और उन्होंने चुपके चुपके की, सिनरारा रूट वर्ड है, अन नजवा सरगोशी, नून जीम और वाव रूट वर्ड होता है नजवा का। आयत नंबर 63, कौलू उन्होंने कहा। अब यहाँ पे हम काफी देखेंगे तस्निया के सीगे, उससे पहले देख लेते हैं कि अरबी में आनी या आईनी होता है तो तस्निया का सीगा होता है, और इसी तरह फेल के आखिर में खाली अलिफो या खड़ी जबर इस तरह दिखे तो वो भी तस्निया के सीगे में होता है। तो इसमें देखें, कौलू उन्होंने कहा, इन यकीनन, इन का ट्रांसलेशन होता है अगर,